तो फिर जो मुसलमान थे वो हिंदू बन गए। अच्छा। उन्होंने गऊ के सिर पर हाथ रख लिया, गाय पे पूछ पकड़, गौ माता की पूछ पकड़ ली, गंगा जल पी लिया का नहीं हम तो हिंदू बनेंगे, हमको नहीं जाना पाकिस्तान में, हमको नहीं जाना। अच्छा, पाकिस्तान नहीं जाना? नहीं जाना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल राइजिंग रुद्रा टीवी। आज मैं आपको लेकर आया हूं भारत के हरियाणा राज्य के रोहतक जिले के गांव कान्ही में। कान्ही पूठी ये दो मशहूर गांव हुआ करते थे मुस्लिम रांगड़ों के 1947 से पहले। पूठी सोनीपत जिले में है, कान्ही रोहतक जिले में। कान्ही में हम माजी के साथ हैं। इस गाँव की सबसे बड़ी बुजुर्ग जीवित महिला हैं इस समय। उन्होंने 1947 मारकाट, इस गांव में रांगड़, ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और भगवान की कृपा से बिल्कुल सही सुनता है, सही बोलती हैं। माँ जी राम राम। जी, मेरी गोदी में, आपकी गोदी में एक बच्ची थी। बच्ची थी। आपकी उम्र क्या रही होगी? 16-17 साल। मेरी होगी 21-20 साल उस समय। जी, तो आपको सब याद है। माँ जी, जब आप इस गाँव में आई तो इस गाँव में ब्याह के आई, आप कहाँ से आई, आपके पीहर कहाँ है? पीहर तो मेरा जहाँ मैं पैदा हुई हूँ तो गाजियाबाद जिले में आम का है, धूम दादरी, आम का दादरी के पास, दादरी के आम पास। का हाँ, आम का। ये आपका गांव था? गांव था। अच्छा, मेरी पैदाश वहाँ की है। फिर मेरे पिताजी फिर डॉक्टर थे तो उन्होंने सर्विस की सयाने आके, सयाना बुलंदशहर। बुलंदशहर जी, आप वहाँ रहे? फिर मैं वहाँ रही। वहाँ रही वहाँ जी 47 वर्ष बेटा, मेरी दूसरी बेटी थी। अच्छा, 45 में हुई है बड़ी वाली। ठीक ठीक। वहाँ जी, जैसे हमने ये सुना है, बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि जो लड़ाई है ना 47 की, वो मारकाट है गढ़ की गंगा से शुरू हुई, और आपको तो वो उसी एरिया से आप रहती हैं, उस एरिया के पास ही हैं, तो कुछ जानकारी हो वहाँ जी बताइए आज हमें कि कैसे शुरुआत हुई थी गढ़ की गंगा से ये लड़ाई। गढ़ गंगा में यही कह तो रही कि जाट की कोई लड़की थी, मुसलमानों छेड़ दी उन्होंने, फिर लड़कियों ने ही इतना कर दिया था कि मुसलमानों को जाने नहीं दिया, वहीं की जो भी सामने आता वही ढेर हो जाता। अच्छा, अच्छी 12-13 साल की लड़कियां मैंने फरसे देखे हाथों में, कुल्हाड़ियाँ देखी, उनकी मारकाट होती रही। ये सयाने, सयाने की बात, सयाने में आपने खुद देखी माँ जी ने? हाँ, खुद देखी, क्योंकि मैं धार रहते थे, हम रतलम के पास धार है, तब मैं हम नौकरी पर अपने इसके पापा के साथ वहीं रहती थी। हस्बैंड आर्मी में थे, माजी के हस्बैंड, और वे उनकी धार पोस्टिंग थी आर्मी में, तो आप सयाने आई हुई थी जब इस समय गढ़ की गंगा से ये दंगा हुआ, दंगा जब हिंदू मुसलमान का। अब हाँ, बड़ी बेटी मेरी गोद में थी, सन 42 में शादी हुई मेरी, और 45 की बात है ये। अच्छा, 45-46 की बात है। कार्तिक स्नान जो पूर्णिमा पे होता है नवंबर में, उस समय की बात है, सर्दियों में दंगा हुआ था। हाँ जी। अच्छा माँ जी, फिर आप शादियों के ब्याह के अपने यहाँ गांव आए कान्ही। हाँ जी। माँ जी, यहाँ का माहौल कैसा था, यहाँ कैसा आपको? मेरे को अच्छा नहीं लगा जी, मेरा मन ही नहीं लगा यहाँ। नहीं लगा? भाषा बोली फर्क था, भाषा में पहना में भी, ये मुसलमान लोग थे ये सारे देखना है तो ये चुस्त पजामी और कुर्ते पहनते हैं, इतने गंदे बदबू से बदबू आया करे थे। अच्छा। और फिर यहाँ जो पहनावा, मुंह दिखान माँ जी आई थी मुसलमानी गांव में, गांव ही आई थी, रंगड़ी आई थी, रंगड़ी ऐसे रंगड़ी बोलते थे ना। हाँ, और उनको रंगड़, रंगड़ और तुम रंगड़ी ना, रंगड़ी तो नहीं बोलते थे आदमियों के लिए बोलते थे रंगड़। हाँ। अच्छा, तो माँ जी किसी ने याद है मुंह दिखाई दी, कितने पैसे भी दिए? जब कोई 1 रुपया दे देता, कोई 2 रुपये दे देता, 1-2 रुपये बहुत था, बहुत था, क्यों कि बेचारे रंगड़ तो अमीर थे माँ जी, इस गाँव के पैसे वाले थे ना, पैसे वाले तो ज्यादातर पैसे वाले भी थे। हाँ। उन्होंने 5 रुपये दे दिए, जो नीचे थे 1 रुपये दे गए। अच्छा, तो माँ जी आज भी याद है आपको मुँह दिखाई गाँव में कैसे हुई थी? मुसलमानी आई थी कई सा, बहुत सारी हैं, बहुत सारी आई। अरे वाह माँ जी, तो उनसे भाईचारा अच्छा था ना गांव में आप लोगों का, आप जैसे राजपूत समाज से हैं और वे लोग भी राजपूत ही थे कुछ 150-200 साल पहले। इतना था कि मैं कह नहीं सकती, जहाँ भी औरतों से भी पर्दा करो। अच्छा। जहाँ भी औरतें इस गांव में, हाँ, हम खड़े नहीं हो सके औरतों के सामने। राजपूतों की औरतें इतना पर्दा करती थी, मुसलमानी भी? नहीं, मुसलमान भी करती थी, वो भी करती। हाँ। अच्छा।
लेकिन उनका इतना था कि खड़ियां तो खड़ी हैं, हमको बैठना पड़ता था, औरतों से भी पर्दा था। अच्छा, था इतना सास से जिठानी से पर्दा करना पड़ता था। तो भाई जी, शादी होने के बाद आप आई, कई महीने आप गांव में रुकी? ना, कई महीने तो नहीं, मैं 15 दिन तब शादी हुई तब रुकी। अच्छा। और उसके बाद मैं 2 महीने एक बार रुकी थी, फिर मैं अपने नौकरी पे इनके साथ चली गई, इसके पापा के साथ। और जिस गांव में आपको याद हो उस समय कितनी मस्जिद थी जब आप आई? मस्जिद थी एक दो, अंदाजा ही बता दो, नहीं था। हाँ, चार पांच थी, चार पांच मस्जिदें थी इनकी मुसलमानों की। हाँ। मुसलमान कितने परसेंट थे गांव में, 50, 60, 70, 80 ऐसे? ये तो मैं नहीं कह सकता, थोड़ा मोटा मोटा अंदाजा माजी। होंगे 100 तो ऊपर थे। नहीं नहीं, परसेंट 100 तो टोटल हो गया, कितने, 2 हिस्से होंगे, 3 हिस्से होंगे मुसलमान, कितने परसेंट रहे होंगे आप? ये तो पर्दे की वजह से मैं नहीं जाता। 70% थे लगभग, ऐसा बताते हैं। 70 चलो, हाँ। अच्छा, तो माजी 4-5 मस्जिदें थी। और माजी गांव में 47 जैसे हिंदू भी थे, राजपूत भी थे गांव में, और बाकी बिरादरी भी थी। मंदिर कितने थे गांव में? मंदिर था ही नहीं। मंदिर था नहीं ना माजी, मंदिर क्यों नहीं था? 57 में बना था, मुसलमानों ने नहीं बनने दिया होगा, क्योंकि हम तो फिर सहरसा ले गए, तो पीछे सत्ताऊ जी थे, वो भी राजस्थान में जयपुर चले गए। पहला मंदिर 54 में बना इस गांव में, 54 में, 54 से पहले मंदिर नहीं था। और आबादी भी थी हिंदुओं की 30%, फिर भी था आबादी तो थी, फिर भी नहीं थे। तो माजी जैसे शादी होके आती हैं औरतें, हमारे यहाँ परंपरा है मंदिर में जाती हैं, जैसे धोक मारना बोलते हैं, एक बार माथा टेकने थे। तो माजी जब मंदिर था नहीं, तो आप कहाँ गई शादी होके आई राजपूतों की बहू? ये बाबा सैयद पहले सही है, सैयद पीर, पीर पीर पे जाना पड़ा, जाना पड़ा, ये मुसलमानों का था। कोई तो कहते नहीं, पीर पीर कह देते हैं मुसलमानों के नाम, मुसलमानों ने अपना नाम रख लिया, लेकिन रोशन नाम था इस पीर का, तो रोशन थे हिंदू, तो वो ये सैयद बाबा का रोशन नाम था, तो इसलिए भी आप लोग मतलब मंदिर के बजाय पीर पे जाते थे। एक तो मंदिर नहीं था, और किसी ने आपको ये बता रखा था कि ये हिंदू है, बस हिंदू है, ऐसे है, ऐसे ही है। अच्छा माँ जी, इस गाँव में कभी बड़े बुजुर्गों से सुनियो या अपने हस्बैंड से कि गांव में कभी कोई हिंदू मुस्लिम की कोई वारदात हुई कभी पहले? नहीं हुई, दंगे से 47 से पहले नहीं, मेरे सामने नहीं, नहीं हुई ना। भाईचारा ठीक था, खूब अच्छा था। और कोई गोकशी की घटना वगैरह होती थी माँ जी? गोहत्या की ना, नहीं, नहीं हुई नहीं। अच्छा माँ जी, इस गाँव में जब 47 में बहुत सारे गाँव चढ़े थे इस पर, तब ये लोग यहाँ से बिना किसी नुकसान के निकल गए थे, ऐसा बताते हैं। और ऐसा भी बताते हैं कि ये लोग राजपूत थे, ये तंवर गोत्र के इस गांव के मुस्लिम जो थे रांगड़, ये कुछ समय के लिए हिंदू भी बन गए थे। माँ जी, ऐसा कुछ सुना है आपने भी? रात रात में बताइए क्या हुआ था। रात रात में सुना ही सुना था। हाँ। क्योंकि हम तो नौकरी पर थे। हाँ जी। यहाँ से फिर जैसे आप बाद में वापस आए तो गांव के लोगों ने बताया होगा? नहीं, चिट्ठी वगैरह आती जाती थी, चाचा जी की, ताऊ जी की, तैया ससुर थे, चचिया ससुर थे, तो वो बतलाते रहे थे कि सारे जो हिंदू लोग थे पूठी चढ़िया, यहाँ मार काट होगी, वहाँ मार काट होगी। तो फिर जो मुसलमान थे वो हिंदू बन गए। अच्छा। उन्होंने गऊ के सिर पर हाथ रख लिया, गाय पे पूछ पकड़ के, गऊ माता की पूछ पकड़ ली, गंगा जल पी लिया, कर नहीं हम तो हिंदू बनेंगे, हमको नहीं जाना पाकिस्तान में, हमको नहीं जाना। अच्छा, पाकिस्तान नहीं जाना? नहीं जाना, ठीक है। बहुत करा, फिर ये कहने लगे नहीं मुसलमान, ये हिंदू चढ़िया है हमारे ऊपर, पूठी के चढ़िया है, कहीं के चढ़िया है। हाँ। फिर ये रात और रात चले गए डर की वजह से। बताते हैं जैसे जब इस गांव के जो मुस्लिम रांगड़ थे, ये कभी राजपूत ही थे हिंदू 250-300 साल पहले, तो जब ये मारकाट में सब हिंदू बन गए थे, और फिर जब इन्होंने कहा कि भाई हमारी लड़कियों के लड़कों के अपने घरों में हिंदुओं से शादी भी आपको करनी पड़ेगी, तो फिर हिंदू राजपूतों ने उनकी बात इस बात पे सहमति नहीं बनी, तो फिर भी ये भी वजह रही कि ये लोग निकल गए। ऐसे भी बड़े बुजुर्ग बताते हैं ना? पहले बतलाते थे ऐसे। ऐसा आपने भी सुना है ना? ऐसा हाँ सुना है। तो दोस्तों, ये दरअसल इस गांव की घटना है कि ये सभी जो मुस्लिम रांगड़ थे, ये तंवर गोत्र के राजपूत थे 250-300 साल पहले, लगभग मुगल एरा में ये सब मुस्लिम बने थे। ये 47 के समय में जब काना और कानी और पूटी गांव पर आसपास के हिंदू लोग आ गए, तो यहाँ के मुस्लिम जो थे रांगड़, ये सभी हिंदू बन गए थे।
इस गांव पर इसी कारण, जैसे पुट्ठी में मारकाट हुई, कानी में नहीं हुई। और फिर जब इन्होंने शर्त रखी हिंदुओं के सामने कि हमारी बेटे बेटियों से अपने घरों में आपको हिंदुओं को शादी भी करनी पड़ेगी, तो उस पर हिंदू सहमत नहीं हुए। और इस कारण भी रहा कि कहानी के लोग फिर रातों रात मतलब चुपके से यहाँ से पाकिस्तान निकल गए, है ना माँ जी? ये माँ जी ने हमें बताया और इस गांव के लोग भी ये कहते हैं। अच्छा माँ जी, उनके जाने के बाद कुछ बड़े बुजुर्ग बताते हों गांव में सामान वामान भी लोग वो उठा के ले गए होंगे बाहर के? बहुत ले गए। ले गए ना माँ जी? बहुत ले गए। उनके पास धन भी बहुत था। धन भी था, चांदी थी। हाँ, सोना तो मुसलमान पहनते ही नहीं थे। अच्छा। चांदी पहनते थे। अच्छा। ये मालूम नहीं कि राजपूतों की वजह से राजपूतों में सोना पहनते हैं। हाँ जी। और ये मुसलमान लोग चांदी, तो ये लोग चांदी पहनते थे। तो बहुत बहुत उन्हें लूट मार ले भी गए, बहुत तो सामान भी ले गए, जेवर वगैरह भी ले गए। दोस्तों ये थी आज की हमारी भेंट हमारी माँ जी कानी गांव में, जो इस समय सबसे बड़ी बुजुर्ग हैं। भगवान इन्हें शतायु दे, स्वस्थ रहें इसी प्रकार। और इन्होंने बताई 1947 से जुड़ी हुई इस गांव की और अपनी स्मृतियों की वे यादें जो मारकाट और 1947 के नाम से हरियाणा में आज भी मशहूर हैं।